तो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि BTS का क्रेज़ इंडिया में कितना बढ़ गया है। डायनामाइट सॉन्ग है वो कितना पॉपुलर हो गया है, नंबर वन पे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड आर्टिस्ट की। तो अभी हाल ही में अरमान मलिक ने एक सिंगल डायनामाइट सॉन्ग कवर गाया था। तो पहले मैं दिखा देता हूँ अरमान मलिक का सॉन्ग। So watch me break the fire, set the night alight. Eh, shining through the city with the little fucking star. I'ma light it up like dynamite. तो बॉलीवुड एक्टर्स भी रिएक्ट कर रहे हैं डायनामाइट सॉन्ग पे। तो टाइगर श्रॉफ जिस तरह खुल के बोले कि BTS के साथ उनके काम करने की। When do we see a collab with BTS? Gaurav is asking. With BTS, यार मेरी तो औकात नहीं है जी। यार मेरी तो औकात नहीं है। तो यार टाइगर भाई सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। बट सिर्फ टाइगर भाई नहीं, बाकी सारे लोग भी है ना जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी है, वो भी BTS के साथ काम करना चाहते हैं। तो अब जो एक सिंगर है अर्जुन, उन्होंने भी डायनामाइट को कवर किया है, जो कवर सॉन्ग आया है। उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, उनके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो उन्होंने भी कवर किया है डायनामाइट सॉन्ग को। तो चलिए थोड़ी सी झलक दिखा देते उनके सॉन्ग की। तो पहले अरमान मलिक और अब अर्जुन सर, दोनों ही ने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है, बहुत ही ब्यूटीफुली कवर किया है डायनामाइट सॉन्ग। तो डायनामाइट सॉन्ग फेमस होने के बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटी और आर्टिस्ट खुल के BTS के बारे में बोल रहे हैं। तो BTS ने अभी रिवाइल किया है $1 million के डोनेशन के बारे में। तो उन्होंने कहा है कि हमने ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट करते हुए जून में डोनेशन किया था $1 million का। तो उसी के बारे में उन्होंने खुल के बताया है कि वो किस तरह उनके साथ खड़े हैं। तो वो सबको समान अंतर में रखना चाहते हैं। और इन्होंने इन्हीं बारे में बात करने के लिए बिग हिट से भी पहले बात की, और फिर BTS और बिग हिट ने मिलके $1 million का डोनेशन दिया है ब्लैक लाइव्स प्रोटेस्ट में। तो आपको पता ही है कि BTS अपने सॉन्ग्स के जरिए वर्ल्ड को कितना बड़ा मैसेज देते हैं। और आज उन्होंने बता दिया कि वो जैसे पहले थे वैसे ही आज हम्बल है, वो बिल्कुल नहीं बदले। तो हेटर्स, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे? हेट्स करने तो बहुत जल्दी आ जाए। तो अब कोई अच्छा काम किया तो अब बोलो, खुल के बताओ कि BTS ने ऐसा काम किया है। नहीं, पर तुम्हारी लाइफ में एक ही मकसद है कि बस हमें BTS को हेट करना है, बस ना। तो आज BTS ने हेटर्स को करारा जवाब दिया है कि जैसे वो पहले थे वैसे आज भी है, वो बिल्कुल नहीं बदले और वो कल भी ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। तो बस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को शेयर कर दो और हेटर्स तक के भी पहुँचाओ। उसको पता चलना चाहिए उन लोगों को कि BTS आर्मी कैसी है, BTS कैसे, BTS के मेंबर्स कितने हम्बल है। लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और जो बाजू में बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कर दो। तुम ये भी नहीं करते, करो ना यार, करो। ओके, बस आज के लिए इतना ही। सरेंगे, लव यू, बाय, टेक केयर।